अंश देख तुझसे बड़ा मेरा घर है। ओ ध्यान से देखो, तुझसे बड़ा मेरा घर है। हम लोग का घर तो बहुत बड़ा बड़ा है, पर इसकी देख, इसकी तो ये झोपड़ी है। माँ। हाँ बेटा बोलो क्या हुआ। माँ हम लोग का घर कितना छोटा है, मेरे सारे दोस्त लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं। हम लोग का नया घर कब बनेगा? बोलो ना माँ हम लोग का नया घर कब बनेगा, मुझे नहीं रहना इस झोपड़ी में। चल बेटा तू मेरे साथ। माँ कहाँ? चलो तो। बेटा देख उन लोगों को, जा उनसे पूछ कर आ कि वहाँ क्यों सोए हैं। ठीक है माँ। बहन बहन तुम दोनों यहाँ पर ऐसे क्यों सो रही हो? हम लोग का घर नहीं है इसलिए हम लोग यहाँ पे सोए हैं। क्या हुआ बेटा तुम उदास क्यों हो? माँ उन लोग का घर नहीं है ना इसलिए वो यहाँ सोए हैं। माँ मैं समझ गया, हम लोग का घर छोटा है तो क्या हुआ, हम लोग के पास घर तो है। बेटा मैं तुम्हें यही समझाने के लिए यहाँ पर लाई थी, अब चलो घर। चलो बेटा। अरे मेरा बेटा कहाँ चला गया? बेटा अरे मेरा बेटा कहाँ चला गया, मैं उसे कहाँ ढूंढूं? हे कान्हा जी मेरे बेटे की रक्षा करिए, उसे मेरे पास वापस ला दीजिए। अरे इसे क्या हुआ, अचानक बंद क्यों हो गई? एक काम करता हूँ, उस लड़के को पहले ठिकाने लगाता हूँ, नहीं तो मैं फंस जाऊंगा। अरे ये डिग्गी कैसे खुली है और ये बच्चा कहाँ चला गया? मम्मी। अरे बेटा तू वापस आ गया, जय श्री कृष्णा। बेटा जल्दी जल्दी चलो, अभी गैया को चारा भी काटना। ठीक है मम्मी। मम्मी उठो ना, मम्मी उठो, तुम्हें क्या हुआ? मम्मी उठो ना। पापा पापा उधर मम्मी को सांप ने काट लिया।